हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दुर्गेश सर ने आपको बताया था कि मैं आपको भारत भूगोल का सीरीज पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला वीडियो होगा आपका अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। क्योंकि बिना अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को समझे बिना भारत की भूगोल की अवस्थिति को समझना थोड़ा कठिन होगा, कठिन क्या मुश्किल ही होगा। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पढ़ने से पहले सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भूगोल आएगा तो सबसे पहला इससे प्रश्न बनता है कि भूगोल की परिभाषा क्या, डिफिनेशन ऑफ जियोग्राफी। तो हम क्या सभी लोग जानते हैं, भू मतलब पृथ्वी, गोल भूगोल, पृथ्वी गोल है उसका वर्णन करना ही भूगोल है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि भूगोल की सबसे फैक्ट परिभाषा क्या है। तो भूगोल की सबसे फैक्ट परिभाषा मानी जाती है अमेरिकी भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टसोन की, जिन्होंने कहा भूगोल का संबंध या भूगोल विषय का संबंध परिवर्तनशील पृथ्वी के विभिन्न तथ्यों के तार्किक और क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण से है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, भूगोल विषय का संबंध परिवर्तनशील पृथ्वी के विभिन्न तथ्यों के तार्किक और क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण से है। यह भूगोल की सबसे फैक्ट और सरल परिभाषा है। अब हम आगे आते हैं, सीधे आते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे अक्षांश रेखा के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक या मत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से खींची गई या मापी गई एक कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। इससे कोई प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन आप लोग देख लीजिए परिभाषा लिखा हुआ है कि क्या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक या मत्तर या पृथ्वी के केंद्र से खींची गई एक कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आता है प्रश्न, अक्षांश रेखा की जरूरत क्यों? क्या अक्षांश रेखा ना हो तो क्या कठिनाइयां हो सकती है? तो अक्षांश रेखा किसी भी स्थान की स्थिति को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्षांश रेखा। यदि हम कहें कि यह क्षेत्र वहां स्थित है तो हमें ढूंढने में कठिनाई होगी। यदि हम कहें कि यह क्षेत्र इतने देशांतर के बीच स्थित है तो वहां हम तुरंत पहुंच सकते हैं या उस क्षेत्र को जान सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अक्षांश रेखा पे, शुरू करते हैं अक्षांश रेखा। दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है, हम यह जानते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है, लेकिन यह गलत है। पृथ्वी गोल नहीं है, वह पूरी तरह गोली नहीं है, वह थोड़ी चिपटी है, ऊपर से और नीचे से थोड़ा चिपटा, ऐसा नहीं, थोड़ा ये ऐसा है ऐसा। लेकिन हम चित्र को समझने के लिए इसे पूरा गोला बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से गुजरती है, भूमध्य रेखा। अब इसका नाम भूमध्य रेखा क्यों पड़ा? भू मतलब पृथ्वी होता है, मध्य मतलब बीचों बीच, अर्थात भूमध्य रेखा। इसे विषुवत वृत्त एवं इक्वेटर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसका नाम बताएं आपको भूमध्य रेखा। तो यहां आपने देख लिया 0 डिग्री रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अब हम आते हैं आगे, अक्षांश रेखा की संख्या। एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसे हम मिटा रहे हैं, तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 90, दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 90। तो इस प्रकार कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई 90 प्लस
प्लस 90 बराबर 180। हमें आमतौर पर किताबों में अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 मिलती है, लेकिन एक अक्षांश रेखा को हम भूल जाते हैं जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। हाँ, 0 डिग्री अक्षांश रेखा सभी अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है, उसकी लंबाई और अन्य अक्षांश रेखाओं से अधिक लंबी होती है। तो 180, 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, टोटल 180 अक्षांश रेखाएं हो गई। लेकिन एक अक्षांश रेखा जिसे हम छोड़ देते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अगर उसे हम जोड़ लेंगे तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाती है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाती है। लेकिन जब यह रेखा ऊपर जाती है तो 90 डिग्री, 90 डिग्री पर यह एक बिंदु के रूप में हो जाती है। यह अक्षांश रेखा 90 डिग्री पर एक बिंदु के रूप में हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं रेखा की परिभाषा क्या होती है, अब बिंदु की परिभाषा क्या होती है, दोनों की परिभाषा अलग अलग है। ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई हो, ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, उसे ज्यामितीय आकृति कहते हैं। लेकिन बिंदु की न ऊंचाई होती है, न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, इसीलिए बिंदु को हम रेखा नहीं कह सकते। इस प्रकार एक एक ये रेखा मतलब एक 90 अंश अक्षांश रेखा उत्तरी में, 90 अक्षांश रेखा, और दक्षिण में एक अक्षांश रेखा, टोटल 2 अक्षांश रेखाएं इसमें से कम हो जाती है। इस प्रकार कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 189 होती है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 189 होती है। 90 अक्षांश रेखा को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अक्षांश रेखा से संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्षांश रेखाएं से है उसे मैं आपको बता दे रहा हूं, इसे मैं मिटा रहा हूं, और मैं जितना बता रहा हूं उतना आप अपने नोट्स में लिखते चलेंगे। अब जैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं, मार्कर बदल लें, कुल 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 होती हैं, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं ऐसे होती है। तो कुल अक्षांश रेखाएं ऐसे आकृति होती है, 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में। लेकिन अब एक प्रश्न आता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। क्या? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जैसे एक अक्षांश रेखा ये हो गया, एक अक्षांश रेखा ये हो गया, तो इसके जो बीच की दूरी होगी, इसके बीच की दूरी होगी 111 किलोमीटर। और इस क्षेत्र के जो क्षेत्र है उसे हम जोन के नाम से जानते हैं। ये भी प्रश्न बनता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन कहा जाता है, जोन। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और उस क्षेत्र का नाम होता है जोन। अब कुछ अक्षांश रेखाओं के कुछ महत्वपूर्ण नाम रख दिए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ये आपका अक्षांश रेखा संबंधित तथ्य खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं देशांतर रेखा। जैसे जीरो अंश देशांतर रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, जीरो अंश देशांतर रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी प्रकार
23.5 अंश अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। साढ़े 66 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को जान लेते हैं। साढ़े 66 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। और 90 अंश अक्षांश रेखा को उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ये आपका अक्षांश रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका अगला वीडियो जल्द ही तुरंत इसके जस्ट बाद देशांतर रेखा का होगा। और आज ये मेरा पहला वीडियो है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी जिसे आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।